नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल किडनी एक्सपीरियंस में। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जितने भी फैमिली में किसी की किडनी फेल हुई होती है तो वो फैमिली के पास एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि जो भी जिसकी भी किडनी फेल हुई है क्या उसे हम डायलिसिस पे रखें या उसका किडनी ट्रांसप्लांट करवा दें। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और सब लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाया लेकिन डायलिसिस पे है, फिर भी उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो उन लोगों को डाउट होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट अगर करवाएंगे तो हेल्थ इससे अच्छी होगी या बिगड़ जाएगी। तो जानबूझ के हम गलती तो नहीं करने वाले, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में हम एक्सपीरियंस से देने वाले हैं, तो ये वीडियो जरूर देखना। हम इस वीडियो में ऐसे इंसान को बुलाने जाते हैं जिन्होंने डायलिसिस भी करवाया है, मतलब डायलिसिस का भी पूरा एक्सपीरियंस है उसके पास, और ट्रांसप्लांट भी किया है तो ट्रांसप्लांट के बाद की लाइफ का भी पूरा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे इंसान को हम बुलाते हैं जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। इस वीडियो को जरूर देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। मैं आपको बताऊंगा कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में हेल्थ वाइज क्या फर्क आता है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि किडनी क्या काम करती है। तो किडनी जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो किडनी लगातार 24 घंटे कंटिन्यूअसली हमारा ब्लड साफ करने का काम करती है। जो भी ब्लड में से कचरा निकलता है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब आपकी किडनी काम नहीं करती है तो आप जाते हो डायलिसिस में। तो आप ये सोचिए कि आप डायलिसिस में जाते हो तो क्या आप लगातार 24 घंटे कंटिन्यूअसली डायलिसिस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी में जो 3 दिन तक कचरा इकट्ठा हुआ ब्लड में, वो हम जाके डायलिसिस में 3 घंटे में या 3.5 घंटे में साफ करने की कोशिश करते हैं। तो ये किडनी जैसा फंक्शन करेगा डायलिसिस मशीन? सीधी सी बात है कि वो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन तक हमारी बॉडी में कचरे वाला ब्लड इकट्ठा होता रहता है और यहाँ वहां घूमता रहता है। तो हमारे बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लीवर होता है, हार्ट होता है या फेफड़े होते हैं, और जो भी दूसरे ऑर्गन्स है वहां पे ब्लड घूमता रहता है, तो उन सारे ऑर्गन्स को भी कहीं ना कहीं नुकसान होता रहता है। तो तुरंत कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लंबे टाइम तक अगर आप डायलिसिस करवाते हो तो ये सारे ऑर्गन्स भी धीरे 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 करके उसको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। आपने भी सुना होगा कि किडनी फेल होने की वजह से किसी का लीवर भी फेल हो गया, या हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, या फेफड़े में प्रॉब्लम हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुई। तो ये सब रीजन यही है कि आपका ब्लड पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं हो रहा डायलिसिस में। अगर होता तो डायलिसिस के तुरंत बाद भी अगर आप रिपोर्ट करवाते तो क्रिएटिनिन आपका 1 आना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं आएगा, वो कम से कम 3-4 तो होता ही है। यानी कि आपका ब्लड पूरी तरह से डायलिसिस में भी प्योरीफाई नहीं होता है, तो वो कचरे वाला ब्लड यहाँ वहां घूमता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि ट्रांसप्लांट अगर आप कराओगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास एक किडनी भी है तो वह 24 घंटे काम करती रहेगी और आपको आपके ब्लड को पूरी तरह से साफ करता रहेगा, तो आपको ट्रांसप्लांट इसीलिए करवाना चाहिए। दूसरा एक रीजन है कि डायलिसिस में हमेशा आप कितने भी हेल्दी होगे आप रिस्क पे रहोगे। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो डायलिसिस पे बहुत हेल्दी लाइफ जीते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई हमारे रूटीन में, दवाई लेने में कोई गड़बड़ कर दी या पानी ज्यादा पी लिया, ठीक है, कभी बीपी बढ़ गया, बीपी लो हो गया, तो एक रिस्क रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको टाइम टू टाइम डायलिसिस भी करवाना पड़ता है, उसमें भी मिस नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आप हमेशा से रिस्क पे रहते हो, ठीक है। ट्रांसप्लांट के बाद ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है, आप थोड़ा सा ध्यान दो दवाई वगैरह में, खाने पीने में, बाकी आपकी लाइफ नॉर्मल होती है, ऐसा कोई रिस्क नहीं रहता है, ठीक है। तो दूसरी बात ये थी रिस्क की कि ट्रांसप्लांट इस तरह से भी डायलिसिस से बेहतर है। हम आगे बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि लाइफ कितनी चलती है। तो दोस्तों मैंने अपनी नजरों से देखा हुआ है कि डायलिसिस पे कोई बंदा मैक्सिमम कितने साल जी सकता है, तो मैंने 15 साल तक के किस्से सुने हैं, आपने भी शायद सुने होंगे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा के किस्से आपने नहीं सुने होंगे कि डायलिसिस पे कोई बंदा 15 साल जी गया, ठीक है। लेकिन ट्रांसप्लांट की अगर बात करें तो मैंने खुद 30 साल से 30 ईयर्स से ट्रांसप्लांट के बाद ऊपर जीने वाले लोग भी देखे हैं बहुत सारे, ठीक है, 40 साल से ऊपर भी जीते हैं। हमने एक दूसरा एक वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल में कि उसमें एक फेसबुक पे ग्रुप है इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें बहुत सारे लोग हैं ट्रांसप्लांट कराए हुए, तो उन लोगों से भी जब मैंने बातचीत की थी तो उसमें भी मुझे देखने को मिला था कि 40 साल से ऊपर लोग जीते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। अब सोचिए कि 40 साल पहले जो ऑपरेशन हुआ था तब इतनी सारी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अच्छी दवाइयां नहीं थी, मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं था, तो भी उन लोगों की किडनी 40 साल से ऊपर चली ट्रांसप्लांट के बाद सक्सेसफुली और बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो आज अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हो तो वो सक्सेसफुल रहने की चांसेस उससे भी बहुत ज्यादा है, तो डायलिसिस से ट्रांसप्लांट इसलिए भी अच्छा है, ठीक है। तो ये थी कुछ हेल्थ वाइज आपको जानकारी मुझे देनी थी, क्योंकि ट्रांसप्लांट डायलिसिस से कई गुना ज्यादा अच्छा है। डायलिसिस अच्छा है लेकिन वो टेम्पररी है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है।
और ट्रांसप्लांट अगर आप कराओगे तो रिस्क फ्री हो जाते हो। 8 महीना 6 महीना ध्यान दे दिया, उसके बाद आप एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हो, कोई रिस्क नहीं लेता है। ठीक है, तो ये थी हेल्थ वाइज जानकारी कि जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रांसप्लांट किस तरह से डायलिसिस से अच्छा रहता है। तो मेरी यही सजेशन है कि आप डायलिसिस पे लाइफ टाइम ना रहो, जितना जल्दी हो सके ट्रांसप्लांट की तरफ आगे बढ़ो। ठीक है, आपको अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी मेरे जो भैया है जो जिसने मुझे किडनी दी है, जो डोनर है, उन्होंने एक और वीडियो बनाया हुआ है कि फाइनेंस वाइज भी ट्रांसप्लांट किस तरह से अच्छा है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। और आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, कोई जानकारी मिली हो या हमारी चैनल आपको यूजफुल लगती हो, तो दूसरे भी ऐसे पेशेंट्स हो उसको आप ये वीडियो भेजिए तो उनको भी यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ट्रांसप्लांट की तरफ आगे बढ़िए और जल्दी से जल्दी मेरी तरह ही आप भी हेल्दी हो जाइए, बहुत ही अच्छी लाइफ आप भी जिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।